चारों ओर कोहरा ही कोहरा और सामने सूरज और आगे मौत आगे मौत पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई, इधर खाई है भाई तरफ खाई इसमें। हेलो दोस्तों, काफी ज्यादा स्वागत है आपका अनुजबिंद के ब्लॉग में। और ये हमारी जियो टेक्निकल फैमिली और ये हमारे कुछ मेहमान आए हैं। मैं मेहमान और ये मेहमान नहीं है, ये हमारे दिल के टुकड़े हैं और बच्चे टुकड़े जिगर का टुकड़ा और ये हमारे आत्माराम तुकाराम भिड़े। तो फोटो शूट इस लोकेशन पे ओवर हो चुका है, कि नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं। ये बात कंफर्म है, ये जब ये ग्रुप जब ये ब्लॉग अपलोड होगा घर से फोन आएगा। नहीं, घर से तो फोन घर से फोन नहीं आएगा, दिक्कत नहीं है। बहुत लोग बोले हमको बुलाया नहीं, हमको बताया नहीं, गाली मुझे पड़ेगा। लेकिन कोई फोन तो ये सडन मैं अभी बता दे रहा हूँ, जो कुछ भी प्लान था ये सब सम्राट का था, बाकी मेरा इस काम में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना लिख सकते हैं सम्राट के लिए। तो गाइस यहाँ बहुत मजा आ गया, एकदम मस्त हवा चल रही, ठंडी ठंडी, और यहाँ पे सबसे ठंडा हवा मतलब आज ही फील हुआ थोड़ा सा, नहीं तो इतनी ठंडी यहाँ पड़ती नहीं है। पहाड़ों पे आके बहुत ठंडा ठंडा हवा फील हुआ यहाँ पे, मस्त एकदम। चलें क्या उस पर ऊपर? तो गाइस इधर देखिए, थोड़ा डेंजर जैसा है, मतलब अगर आप यहाँ से गिर गए तो भाई बचेंगे नहीं फिर, इसलिए यहाँ थोड़ा बैरिकेडिंग लगा रखी है। फिर भी लोग, बैरिकेडिंग टूट गया है, ये क्रॉस करके लोग इधर आते हैं, फिर यहाँ से उधर भी बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे फोटो लेते हैं। बाकी इधर तो सेफ है, बट इस साइड सेफ नहीं है। और तो गाइस अभी चलने का टाइम हो गया है सर। ये शाहरुख खान बनते हुए यहाँ पे, तुम कह रहे थे नाम लिखा, भाइयों का नाम बहुत लिखना पड़ते हैं। आना सफल हुआ यहाँ पे, थोड़ा मेहनत करना पड़ा आने के लिए। हम लोग रेलवे ट्रैक पूरा चल चल के इधर आए थोड़ा पैदल, लेकिन मज़ा आ गया आके। और सब लोग जा रहे हैं तो चलते हैं अब यहाँ से नीचे, फिर हम लोग भी चलते हैं। अभी यहाँ पे लास्ट फोटोशूट चल रहा है ये। तो गाइस यहाँ पे दीवार वार में देखा जाए तो थोड़ा बहुत इधर मतलब लिखे उखे मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग की तरफ भाई साहब दीवार पत्थर में हर जगह दिल बड़े बड़े बने हुए मिलेंगे, कुछ लिखे लिखे मिलेंगे उसमें। भाई उतरने में अब तो मेहनत नहीं लगेगा, चढ़ने में तो बहुत मेहनत लगा था। सुदेश सर, सुदेश सर, तू इतना जल क्यों रहा है? देख कितना धुआं कर दिया चारों तरफ, कोहरा ही कोहरा, नहीं ये तो धुआं है, इसको दिखाएंगे नहीं। तो हम लोग चलते हैं नीचे, आके मजा आ गया यहाँ पे आके। और भाई उतरने में तो मतलब मेहनत नहीं लग रहा है, लेकिन आराम से उतर जा रहे हैं। चढ़ने में भाई क्या हालत खराब हुआ था सबका, बहुत दिनों बाद इतने हाइट पे चढ़ाई की है, वो भी सीढ़ियों की। नहीं भाई ऐसी बात नहीं करना चाहिए। तो गाइस ये देखिए पहाड़ों पे इतना बड़ा पेड़ उगा हुआ, ये देख रहे हो पहाड़ों के बीच में जो ये दरार है, ये दरार, ये इसमें इतना बड़ा पेड़ उगा हुआ है। और किस चीज का पेड़ है ये तो नहीं पता मुझे, ये अवतार वाला पेड़ है, देखो ना अवतार में, अवतार मूवी, अवतार मूवी का वो पेड़ है ये। अच्छा, इसकी जगह सीढ़ियां ना बना तो कोई चढ़ नहीं पाता है कि नहीं? चढ़ जाते, लेकिन जो हिल क्लाइंब करते हैं ना, हाँ वो चढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं चढ़ पाता कोई, क्योंकि खड़े पे है ना, एकदम खड़ाई पे चढ़ाना है, पूरा कटा हुआ है इधर, इधर देखिए पूरा कटे हुए गड्ढे में, एकदम खड़ा है, तो वो चढ़ने में दिक्कत होता। संक्रांति सुबह कौन चलू
हम लोग चेरी चेरी कर रहे हैं, वो लोग गए। चलो बहुत अच्छा लगता। चलोगे इन लोगों ने यहाँ पे सहलाने बहुत अच्छा लगता है, और पैर के नीचे पैर के नीचे सही लगता है। चलो चलो बाय शेरी। बाय शेरी। तो गाइस फाइनली हम लोग घूम के आ गए भाई, घूम के तो मजा आ गया। कैसा लगा बताओ? अरे भाई सुबह आज की एकदम मजेदार थी भाई, अभी तक का सबसे बेस्ट मॉर्निंग था। इतना घूम के आए हैं, मन पहाड़ वहाड़ भी चढ़े तो मतलब थकान सी तो नहीं लग रही है। ओहो माय गॉड, मेडिटेशन आज का सुबह था, मजा आ गया। तरह से भी इंसान बोल रहे हैं, तरह से भी वर्ड। तो गाइज बस ये ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गाइज जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।